एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा मिंत्रा फुटवेयर हॉल। नाउ मिंत्रा का एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है एंड मैंने वहां से बहुत सारी शॉपिंग की है, कुर्तेज एंड प्लाजोज एंड एवरीथिंग, वो सब तो मैंने खरीदा है, जीन्स एंड टॉप एंड एवरीथिंग, बट मैंने बहुत सारे जूते भी खरीदे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज मैंने सेल प्राइस में खरीदा है एंड उससे पहले एक दो जूते जो मैंने खरीदे हैं वो एंड ऑफ सीजन सेल से नहीं खरीदा, उससे पहले जो रेगुलर सेल चल रहा था उससे खरीदा है। तो थोड़ा सा लाइक ना मैंने उन्हें यूज किया, लाइक 10-15 डेज या उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने उन्हें इस्तेमाल किया है, बट देन दे आर स्टिल इन स्टॉक एंड सारे जितने भी शूज है काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मैंने काफी सारे, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं लिटरली इसके दो पार्ट्स बना सकती थी, इतने सारे जूते मैंने कलेक्ट कर लिए। आई थिंक देर आर मोर देन 9-10 पीसेस है शायद एंड सारे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, तो वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी। एंड कुछ कुछ जैसे कि मैंने बोला एक दो दिन पहने हैं, कुछ 10 दिन पहने हैं, तो हाथ में दिखाना थोड़ा सा लेकिन वो द शू हैज़ अ लॉट ऑफ डर्ट, तो इसीलिए मैं इसे आपको इस तरीके से हाथ में नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको एक क्लोजअप दिखाऊंगी जूते का, दैट मी वेयरिंग द फुटवेयर एंड एज वेल एज एक छोटा सा एक और क्लोजअप ताकि आप शूज़ की क्वालिटी एंड ऑल देख सको। तो इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड एंड प्लीज डू कीप ऑन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे और मिंत्रा के हॉल वीडियोस देखने, क्लोथिंग हॉल वीडियोस देखने, मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बनाया है, मिंत्रा का भी मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना लिया है जिसमें काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो वो आप अगर प्लेलिस्ट चेकआउट करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ज्वेलरी अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है, दिस इज़ बाय द ब्रांड जूल्स गैलेक्सी एंड ये सेट में आता है, इसके साथ साथ आपको ईयरिंग्स भी मिलता है, बट ईयरिंग्स मैंने पहने नहीं है क्योंकि कुर्ता मेरा इतना ज़्यादा सुंदर था तो मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने, छोटे ईयरिंग्स थे बट स्टिल मैंने नहीं पहने। तो अगर ये वाला आपको खरीदना है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज दिस, ये एक एथनिक फुटवेयर है बाय द ब्रांड अनोक एंड इसे मैंने लिया है यूरो साइज 38 में, दैट इज माय स्टैंडर्ड साइज एंड स्टैंडर्ड साइज में ही मैंने इसे लिया है एंड मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरीके से फिट हुआ एंड गोल्डन कलर है, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा इसीलिए मैंने इसे लिया एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिला एंड काफी अच्छा है ये। आप देख सकते हो कितने अच्छे से थ्रेड वर्क किया हुआ है, इसमें और भी डिजाइन्स अवेलेबल थे बट मुझे ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लगा। सेकेंड आर दीज बूट्स बाय कैटवॉक एंड कैटवॉक के वैसे तो अगर स्टोर पर जाओ तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं एंड ऑनलाइन लो तो काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं एंड बूट्स अगर मुझे 800 रुपीज में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड ब्लैक है, विंटर्स के टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर पार्टी में जा रहे हो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड दे एब्सोल्यूटली कम्फर्टेबल टू वेयर। तो ये रहा इसका क्लोजअप, ये एक्चुअली स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड सिंस ये स्ट्रेचेबल है तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल आप अगर चलोगे तो आपको पेन नहीं होगा बट यू शुड बी कंफर्टेबल विद द हील साइज। दिस इज बाय द ब्रांड जिंजर एंड मुझे काफी टाइम से व्हाइट फुटवेयर चाहिए था एंड मुझे बेसिक नहीं चाहिए था, थोड़ा सा डिजाइन वाला चाहिए था तो मैंने ये वाला लिया, दिस इज अगेन बाय जैसे मैंने बोला जिंजर एंड इसे मैंने 38 में लिया था बट वो टाइट हो रहा था इसीलिए मैंने इसे 39 साइज में लिया, तो अगर आपका स्टैंडर्ड साइज 38 है तो प्लीज एक साइज ऊपर लेना, काफी ज्यादा कंफर्टेबली फिट होगा। सो आप देख सकते हो कि इसमें इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है एंड आई फील इसमें भी एक पिंक कलर अवेलेबल था एंड इसमें ना टाई अप लेस नहीं है, इनबिल्ट काइंड ऑफ लेस है तो बहुत ज्यादा लेकिन ना क्विक है इसे पहनना, तो इसे भी मैंने एक्चुअली 38 में लिया था, दोनों साथ में मंगवाया था बट देन ये साइज छोटा हुआ तो मैंने 39 में ऑर्डर किया, तो कीप दैट इन माइंड एंड मुझे लाइक नो लगा था ये बहुत डिफिकल्ट होगा क्लीन करने में क्योंकि ये वेलवेट है, तो ये एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, बस गीले कपड़े से आपने इसे रोज क्लीन करना है, दैट्स इट एंड इसकी जो मोतियां है काफी ज्यादा स्टर्डी है, तो इसमें लाइक इस तरीके के मोतियां जड़े हुए हैं एंड आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गंदा हुआ है क्योंकि मैंने इसे 2 दिन पहना है, तो इसे क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इजी है एंड हर वेस्टर्न के साथ एंड एक्चुअली एथनिक वेयर के साथ, कुर्ते के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। सो दिस इज बाय द ब्रांड रेसबेरी एंड ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल था, गन मेटल कलर में है, काफी सारे इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न आउटफिट्स पे भी जाएगा एंड इसमें एक और एक प्यारा सा कलर था जो कि पेस्टल पिंक कलर था, वो भी काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा था बट पिंक मेरे पास काफी सारे हैं एंड गन मेटल नहीं था तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। तो ये रहा इसका क्लोजअप, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत अच्छी तरीके से शाइन करता है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने इसे बाहर तो नहीं पहना बट थोड़ा सा घर पे पहन के देखा था कंफर्टेबल है या नहीं।
नेक्स्ट इज दिस बाय द ब्रांड अनोग. नाउ इनके पास 7-8 ऐसे घुंघरू वाले थे, बट देन मेरे साइज में 2-4 ही अवेलेबल थे. तो इसमें ना एक टर्कवाइश एंड एक फुल ब्लैक भी अवेलेबल था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था. एंड ये काफी बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड प्रिटी लगता है. तो ये रहा इसका क्लोजअप. आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से स्टर्डीली ये जो घुंघरू है ये लाइक यू नो स्टिच्ड है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिच्ड है एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ये. इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे एंड काफी सारे पैटर्न भी अवेलेबल थे. रेनी सीज के लिए दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट देन आप डेफिनेटली आपको कोई भी पैटर्न मिले तो प्लीज ये खरीद लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा. इसमें ना और कलर्स भी अवेलेबल थे, एक गन मेटल कलर था, एक आई थिंक ब्लैक कलर था. एंड सारे लॉट में से ये सबसे कंफर्टेबल शूज है एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा है, वर्थ बाइंग. ये वाले जो है ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. जब मैंने इसे खरीदा था तभी ये सेम लेकिन यही कलर अवेलेबल था एंड आई थिंक देयर वाज अनदर काइंड ऑफ ब्लैक या ब्लैक एंड पिंक कलर, बट अभी तो इसमें बहुत सारे कलर्स और कलर ऑप्शंस अवेलेबल है. बट यही वाला मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. ये भी काफी सारे वेस्टर्न वेयर के साथ चल जाएगा, काफी सोबर कलर है. तो ये वाला ना मैंने एंड ऑफ सीजन सेल से पहले वाले सेल में खरीदा था, काफी मैंने इसे यूज किया हुआ है एंड इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल है. एंड जो मोड वाले जूते हैं रेड टेप के, इसे ना एक साइज कम में खरीदना. मेरा साइज है 38 तो मैंने 37 में खरीदा. सो ये इस तरीके का लगता है. दिस इज ऑल्सो बाय मोड रेड टेप एंड इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे. इस ब्रांड का कुछ भी आपने लेना है तो स्टैंडर्ड साइज से एक साइज छोटा ही लेना, क्योंकि इसके साइज काफी बड़े होते हैं. एंड मैंने यहाँ पे सॉक्स पहना है क्योंकि माय फीट आर नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू शोकेस फुटवेयर्स. तो या अच्छा फुटवेयर है, काफी ज्यादा अच्छा है, इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ आप पहन सकते हो. तो दिस इज ऑल्सो बाय मोर रेड टेप एंड इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे. अगेन इसमें भी मैंने साइज 37 खरीदा क्योंकि 38 थोड़ा सा बड़ा हो रहा था. नेक्स्ट इज दिस एंड ये नाइकी के है. मेरा नाइकी वाला जो था वो खराब हो गया था तो आई डेस्परेटली नीडेड अनदर वन. ऐसा नहीं कि मैं काफी सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती हूँ, बट देन आई जस्ट वॉन्टेड वन. तो ये वाला था इसके साथ यही रेंज में और 2-4 और थे, लाइक यू नो एक ग्रे था, एक पिंक कलर का था, एक न्यूड कलर का था, बट देन मुझे ब्लैक चाहिए था क्योंकि ब्लैक कोई भी स्पोर्ट्स वेयर आप पहनो तो चल जाता है. तो ये वाला मैंने लिया. तो इसमें मेरा साइज है 5 एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, काफी स्टर्डी है. आप इसे लाइक यू नो जॉगिंग एंड ऑल स्पोर्ट्स वेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो. सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली आप खरीद सकते हो. सारे शूज मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे. अगर मेरी फेवरेट शूज की बात की जाए तो अनोग ऐसा एक ब्रांड है जिसके कपड़े भी मुझे अच्छे लगते हैं, वॉचेस भी अच्छे लगते हैं एंड जूते तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. बिकॉज पर्सनली आई लव वेयरिंग एथनिक वेयर मोर देन वेयरिंग दोस वेस्टर्न वेयर. तो मुझे इस तरीके के जूते भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं. तो मोजी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. उससे भी ज्यादा जो घुंघरू वाले जूते हैं जो बचते हैं मुझे वो ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि घुंघरू का जो आवाज है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. एंड वो अब तक इन स्टॉक है, उसमें एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल है. तो डू चेक दैट आउट एज सून एज पॉसिबल. 700 and something रुपीज में मिला था, 50 रुपीज में, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था. क्योंकि इससे पहले जब मैंने उसको चेक किया था आई थिंक इट वॉज फॉर 1200 रुपीज एंड अराउंड हाफ द प्राइस हो गया. तो डेफिनेटली आप ये जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना जब तक सेल है तब. That is all for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, helpful लगा हो. If yes, then please like, comment, share and subscribe. To follow me on my Instagram, the link will be in the description box. Thank you so much for watching this video.